छाप तिलक तब जीने मौत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगी। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू हजार साल। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, दिल्ली में आज एक बड़ी बैठक जदयू के तरफ से हो रही है, क्या फैसला होगा ललन सिंह पर, क्या कुछ मामले निकल के सामने आएंगे, कई तरह के अटकलों के बाजार गर्म हैं ललन सिंह को लेकर के। जदयू के अंदर अंतर कलह की भी बात सामने आ रही है। नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे जदयू के, ऐसी तमाम बातें चल रही हैं। कल ललन सिंह और नीतीश कुमार की एक गुप्त बैठक हुई है, इस बैठक में कई तरह के फैसले लिए गए हैं। हालांकि क्या कुछ बातें हुई हैं ये सार्वजनिक अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उनके अनुसार जदयू में जो अंतर कलह मची हुई थी पिछले अगर 3-4 दिनों से बातचीत करें तो बिहार की राजनीति ललन सिंह पर आकर केंद्रित हो गई है। पार्टी के अंदर टूट को लेकर कई लोगों ने दावा किया कि ललन सिंह की वजह से पार्टी टूट रही है, नीतीश कुमार अगर अपने पार्टी को नहीं संभालेंगे तो जदयू के अंदर एक बड़ी टूट जो है वो मच जाएगी, जदयू समाप्त हो जाएगी, कई तरह के चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं के बीच में ये चर्चा खूब चल रहा है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का इस्तीफा हो चुका है, नीतीश कुमार मनाने में लगे हैं। आज देखिए एक बड़ी बैठक होगी, इस बैठक में फैसला आएगा, लेकिन बिहार जदयू में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बैठक तो दिल्ली में हो रही है लेकिन यहाँ पर भी गहमा गहमी तेज है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले जदयू के कई सांसदों का टिकट कटने की भी चर्चा कही जा रही है। 17 सांसदों में से जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे, कुछ सांसदों ने जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो दिल्ली में जाके उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस बैठक में सीतामढ़ी का सीट जो है वो काफी ज्यादा चर्चा का केंद्र रहा है। सीतामढ़ी सीट से एक बार फिर गहमा गहमी तेज हो गई है। देवेश चंद ठाकुर जो विधान परिषद के अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से उन्होंने दावा कर दिया है सीतामढ़ी सीट को लेकर के, ऐसे में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई लोग हैं सीतामढ़ी से, सुनील कुमार पिंटू जिनकी चर्चा चलती है, और सुनील कुमार पिंटू के जो तेवर बदले हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका झुकाव दिख रहा है। ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर भी दावा कर चुके हैं। अब देवेश चंद्र ठाकुर के दावा के बाद जो महागठबंधन के कई MLC थे जिन्होंने एक बड़ी बैठक की और बैठक में फैसला लिया कि जो सीतामढ़ी के हकदार होंगे जदयू की सीट से, चाहे रामेश्वर महतो ही क्यों ना हो, उन्हीं को टिकट दिया जाएगा। अब इस पर देवेश चंद्र ठाकुर ने बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर मैं सीतामढ़ी का सीट नहीं छोड़ूंगा। सीतामढ़ी सीट को लेकर के बार बार वो दावा करते रहे हैं और एक बार फिर से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने बड़ा बखेड़ा शुरू कर दिया है। तो एक तरफ दिल्ली में बड़ी बैठक जदयू की हो रही है, दूसरी तरफ बिहार में गहमा गहमी तेज हो गई है। अपडेट जो भी होगा लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू हजार साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू हजार साला, जिया तू हजार तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहां हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं जानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।